हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम पनीर भुर्जी बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सभी को मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। 250 ग्राम हमने पनीर लिया है, उसको हमने कद्दूकस कर लिया है। ये दो टमाटर हमने कट कर लिए हैं और एक शिमला मिर्च लिए हमने, उसको भी कट कर लिया है। और ये आधा बाउल मटर है, दो टेबल स्पून हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। ये हरा धनिया हमने इसको बारीक कट कर लिया है। ये एक हरी मिर्च ली है और ये एक चम्मच हमने जीरा लिया है। थोड़ी सी हमने अदरक ली है, उसको भी हमने कद्दूकस कर लिया है। हमने एक पैन ले लिया है, अब हम पैन को गर्म कर लेते हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। रिफाइंड ऑयल को गर्म होने देते हैं। रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं। गैस की फ्लेम हम सेम ही रखेंगे, नहीं तो ये सब जल जाएगा। और एक हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, आप ज़्यादा भी ले सकते हो हरी मिर्च। और हम इसमें ये अदरक पेस्ट भी डाल देते हैं, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम ये मटर डाल देंगे इसमें, मटर को हम भून लेंगे। 2 मिनट हम अच्छे से मटर को भूनेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसमें लीड लगा देंगे और लीड लगा के 2 मिनट पका लेंगे। एक बार हम इसको बीच में चला देंगे, फिर से इसको लीड लगा के पका लेंगे। अब हम लीड हटा देंगे। फ्रेश मटर को पकने में टाइम लगता है, इसलिए हमने लीड लगा के 2 मिनट पकाया था। अब हम इसमें टमाटर भी डाल देते हैं, शिमला मिर्च भी डाल देते हैं। अब हम टमाटर को और शिमला मिर्च को भी अच्छे से भून लेंगे। हम एक छोटी चम्मच लाल मिर्च डाल लेंगे, एक चम्मच हम हल्दी डाल देंगे, एक चम्मच सूखा धनिया डाल देंगे इसमें, एक चम्मच नमक डाल देते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सब्जी हमारी पक चुकी हैं, अब हम ये पनीर कद्दूकस किया हुआ हम डाल देंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। पनीर भुर्जी बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसको ट्राई करना। अब हम आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डाल लेंगे। गरम मसाला टेस्ट को बढ़ा देता है। पनीर भुर्जी हमारी तैयार है, अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। पनीर भुर्जी हमने बाउल में सर्व कर ली है, अब हम धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे। पनीर भुर्जी हमारी बिल्कुल तैयार है, अब आप इसे रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।